Hi, welcome to my channel. This video is solve current question number 6. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to BC is equal to 6 cm. AB and BC are given 6 cm and AD and DC is equal to 4.5 cm and angle B is 120 degree. सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि वन जो एंगल दिया हुआ है एक उससे अटैच्ड जो दो साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो यहाँ पर देखिए AB है और BC है. इसका कंस्ट्रक्शन जब करेंगे आप तो सबसे पहले आप इससे अटैच्ड एक साइड को ड्रा करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड ड्रा करेंगे एंगल बनाते हुए, उसके बाद इन दोनों को सेंटर मान करके आप दो आर्क्स खींचेंगे जो डी पॉइंट पर कट करेंगे और फिर हमारा जो है मिल जाएगा. चलिए पहले ए बी ड्रा करते हैं 6 सेंटीमीटर लेंथ का. ओके, तो हमने ड्रा कर लिया ए बी 6 सेंटीमीटर लेंथ का. अब हम B पॉइंट पर एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का यूजिंग कंपास. ओके, तो ध्यान दीजिए आपका जो B से लेफ्ट साइड में लाइन ड्रा की गई है इसलिए हम लेफ्ट वाले स्केल को यूज करेंगे, मींस नीचे वाले स्केल को यूज करेंगे. तो नीचे वाला स्केल आपका 10 से यहाँ स्टार्ट 10 20 30 40 50 ऐसे जा रहा है. आप देखेंगे 120 कहाँ पर है, तो 120 देखिए आपका यहाँ है, तो वहाँ पर इसके लाइन पर एक मार्क बना लेंगे. सो हमने मार्किंग कर लिया है. अब बी पॉइंट से इस पॉइंट के डायरेक्शन में एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जिसका लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर. तो हम सी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे. ओके, तो हमने बी से 120 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया है 6 सेंटीमीटर का. आपको पॉइंट मिल जाएगा ये सी, और ये जो एंगल मिल गया कितना मिल गया 120 डिग्रीज. अब ए को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे और सी को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के दूसरा आर्क खींचेंगे जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे डी पॉइंट पर. आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हम इंटरसेक्शन नहीं कर पाएंगे आर्क्स का. इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर पॉइंट डी फाइंड नहीं कर सकते, मीन्स यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो 4.5 सेंटीमीटर जो दोनों लेंथ दिए हुए हैं वो इस हिसाब से नहीं दिए हुए हैं कि इन दोनों का सम जो है AC से क्या हो, AC से बड़ा हो. ये इन दोनों का सम जो है AC से छोटा हो जाएगा क्योंकि AC बड़ा है. यहाँ पर आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि एसी का जो लेंथ है वो आपका यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एसी का लेंथ है यहाँ से ए से लेकर के और यहाँ सी तक, ठीक है, ए आपका यहाँ है और सी तक यहाँ पर देख रहे हैं आप. यहाँ पर देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, 10.4 है आपका, तो 10.4 है. और यदि आप 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 को यदि ऐड करेंगे तो आपका 9 ही सेंटीमीटर होगा. दैट्स वाई ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा. दैट इज़ यहाँ पर मतलब कि ट्रेंगल इनइक्वालिटी फॉलो नहीं हो रही है, तो ट्रेंगल इनइक्वालिटी को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप रीज़न देंगे कि ये कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि बिकॉज हियर 4.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर्स इफ़ वी ड्रा टू आर्क्स फ्रॉम ए एंड सी वी कैनॉट इंटरसेक्ट देम बिकॉज ट्रेंगल इनइक्वालिटी डज नॉट फॉलो हियर. फर्दर इलेबोरेट करने के लिए आप बोल सकते हैं कि ए बी ए डी सी ट्रेंगल में ए डी प्लस डी सी, आप कह सकते हैं कि ए डी प्लस डी सी इज नॉट ग्रेटर दैन ए सी, जो कि हमेशा क्या होना चाहिए, ए सी से ग्रेटर होना चाहिए. ए डी प्लस डी सी मस्ट बी ग्रेटर दैन ए सी, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नहीं है, यहाँ पर छोटा है क्योंकि ए सी का जो लंबाई यहाँ पर हमने मेजर किया वो आपका 10.4 आ रहा है. तो दिस ट्रेंगल कैनॉट बी फॉर्म्ड, देयर फोर वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय.